अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। कल से आप ये देख रहे हैं कि लाहौर के दाखली और खारजी रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं और हुकूमत मुतहरिक हो गई है। पीटीआई को लॉन्ग मार्च की इजाज़त ना देने का फ़ैसला जो है वो सामने आ गया है। यही नहीं है बल्कि पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापे भी मारे गए, कुछ को गिरफ़्तार भी किया गया और कुछ ने जो है वो अहले खाना से बदतमीज़ी की शिकायतें भी रजिस्टर्ड करवाईं। ये सूरत हाल जो है वो बनी है और अभी तक जो है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई भी अथेंटिक चीज़ जो है वो सामने नहीं आ सकी। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ये कहना है कि जो मर्जी कर लो, लॉन्ग मार्च तो होकर रहेगा, ऐसा फरमा रहे हैं इमरान खान साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के और साबिक वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के। सूरत हाल इस वक्त जो बन चुकी है पाकिस्तान में, अगर दोनों ही सूरत से देखा जाए, हकूमत की हद से देखा जाए या अपोजिशन की हद से देखा जाए, तो सूरत हाल ये है कि दोनों ही में पिस अवाम रही है। वो मासूम अवाम जो अपने घरों से अपने लीडरों के लिए निकलने के लिए ख्वाहिशमंद भी हैं, लॉन्ग मार्च में जाने के ख्वाहिशमंद भी हैं, साथ ही जो है वो हुकूमत का साथ देने के लिए ख्वाहिशमंद भी हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर ये आती है कि हम पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से, पाकिस्तान में अमन और अमान कायम करने के हवाले से किस हद तक पुरअमन रहने की कोशिश कर सकते हैं, किस हद तक जो है वो आवाम ये फैसला कर सकती है कि उन्हें क्या करना है। क्या उन्हें सड़कों पर निकल के अपने ही दूसरे भाइयों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो मिलिट्री ऑफिसर्स हों, चाहे वो कोई भी हो जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, या कंटेनर्स तो लग चुके हैं, लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो है वो इस वक्त बंद कर दिए गए हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल है कि कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। राना सनाउल्ला साहब ने तो साफ और वाज़ेह अल्फाज़ में ये कह दिया है कि एक भी बंदा अपने घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। और साथ ही दूसरी तरफ जो है वो शेख रशीद साहब जो है उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया है कि जी मुझे गिरफ्तार करने की जो है वो कोशिश की जा रही है और मेरे घर पर छापे मारे जा रहे हैं, तो अदालत ने भी जो है वो उनको प्रोटेक्शन देने के हवाले से कुछ अपने ऑर्डर्स जो है वो जारी कर दिए हैं। साथ ही मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ का भी ये कहना है कि मुल्क बचाने के लिए तमाम इदारों को एक पेज पर आना पड़ेगा। अदालतों को भी अदब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी रिवायत ना डालें और ऐसा ना करें कि जो शख्स सबसे बढ़कर इदारों को गालियां निकाले, इसी के लिए हक में फैसले कर दें। इमरान खान लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहा है। पीटीआई का लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद की तरफ होना है, और कह तो दिया है पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने कि हमने तो लॉन्ग मार्च करना है, जो मर्जी कर ले हुकूमत, जिस तरह मर्जी चाहे जो है वो हमें रोकने की कोशिश कर ले, पर हम पुरअमन एहतजाज करने इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पुरअमन एहतजाज के हवाले से जो है वो पहले भी कहा गया था, लेकिन पुरअमन एहतजाज नज़र नहीं आया था। क्या इस दफ़ा का एहतजाज पुरअमन होगा, क्या लॉन्ग मार्च होगा, और क्या जो है वो ये जलसा जुलूस रैली या बहुत बड़ा जो जम्मे गफीर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकट्ठा करने के हवाले से बातें कर दी थी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है वो अपने काम पर पूरे प्रॉपर तरीके से कॉन्सनट्रेट किए हुए हैं और हुकूमती जितने भी अहदेदारान हैं वो ये कहने में किसी हद तक जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि हम इस लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं देते, खून खराबे की इजाज़त नहीं देते, और जो भी आइन और कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर लॉन्ग मार्च को रोकते हैं, कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, मजीद अगर कोई खून खराबा खुदा ना खास्ता जो है वो होता है, सड़कों पर कोई इस तरह की चीज़ जो है वो देखने को आती है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? किसी एक को तो समझना होगा इस वक्त में कि सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हमें पाकिस्तान में अमन और अमान की कैफियत को कायम करना है। देखिए, एक थर्ड पर्सन जो दो लोगों की लड़ाई में खामोश है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं हो रही है। कहते हैं ना कि दो लोगों को लड़वा के हमेशा तीसरा बंदा जो है वो सुकून से सिर्फ तमाशा देख रहा होता है। यही पाकिस्तान में हो रहा है, यही पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है कि दो लोगों को आमने सामने करके तीसरे लोग खामोशी और इत्मीनान से सिर्फ जो है वो तमाशा देख रहे हैं। अब फैसला अवाम को करना है कि क्या उन्हें सड़कों पर निकल के तमाशा बनना है, क्या उन्हें अपने बच्चों और अपनी ज़िंदगी को जो है वो अजीज समझना है, या फिर उन्हें जो है वो कानून को हाथ में लेना है। क्योंकि आइन और कानून के तहत चलना हर पाकिस्तानी का पहला उसका हक भी है और उसका फ़र्ज़ भी है। तो ये फ़र्ज़ जो है वो किस तरीके से अदा करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको
समझनी भी है। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने रास्तों की बंदिश और छापों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी किया है, जिसके बाद ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और समाअत जो है वो 3 रुकनी बेंच कल करेगा, यानी कि आज जो है वो ये समाअत हो भी जाएगी और इसके हवाले से जो फैसला भी आएगा। जस्टिस इजाजला हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बेंच का हिस्सा भी हैं। तो ये सूरत हाल है। अभी हमें सीनियर तजियाकार असलम डोगर साहब ने ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बन गई है उसमें अवाम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, और जो नून लीग ने यानी कि हकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि लॉन्ग मार्च की इनको इजाज़त नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि लॉन्ग मार्च होके रहेगा, ये तो खुलम खुला एक जंग का ऐलान हो चुका है। अब सूरत हाल ये किस तरह वाजे जो है वो आप करेंगे और क्या कहेंगे इसमें? एक मुझे पुरानी कहानी याद आ रही है कि एक हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की अदालत में तो एक ख़वातीन आई, उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है, एक ने कहा मेरा है, दूसरे ने कहा मेरा है जी। तो सलमान ने कहा कि इस बच्चे को हम तकसीम करके दोनों में तकसीम कर देते। तो उन्होंने जवाब में कहा कि ये जो उसकी हकीकी माँ थी, उसने कहा नहीं मेरे बच्चे को आप ऐसे ना करो, इस ये बच्चा इसको दे दो। तो एक पाकिस्तान जो है इस वक्त इस तरह की सूरत हाल में है कि इसको ओन नहीं किया जा रहा। सही कह रहे हैं। आप ये देखते हैं कि जो आप खुदगर्दी है, सियासी खुदगर्दी है, वो हमारी सियासत में इतनी ज्यादा छा गई है कि आवाम जो है वो पीछे रह गए। बिल्कुल। तो फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट ने कहा था, अमेरिकन सदर ने, कि लोग अगर जमहूरियत जो है वो डिलीवर नहीं करेगी, लोगों को सुकून नहीं देगी, लोगों के मसाइल हल नहीं करेगी, तो लोग दूसरी तरफ देखेंगे। बिल्कुल। बात यह है कि ये अब हमें ये सियासतदानों को थोड़ा सा अपनी जात से आगे निकल के भी सोचना है। ये लॉन्ग मार्च कामयाब होती है, इमरान खान साहब उसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे, उसे नाकाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये देखें ये सारा उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान मईशत इसकी बहुत खराब है, मामला उसके बहुत खराब है। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मज़ाकरात के जरिए एक मामला होता है, कुछ लोगों को आगे आना चाहिए, दोनों को मज़ाकरात की मेज पे बिठाना चाहिए और कोई ना कोई ऐसा मुत्तफिक लाहे अमल बनाना चाहिए जिसमें पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा खत्म हो जाए, जिसमें पाकिस्तानी आवाम के लिए कुछ रिलीफ की सूरत हाल बन जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो पाकिस्तानी जमहूरियत को देख रहे हैं, हमारा जो सोशल मीडिया वो बता रहा है कि हमारे जो सियासतदान है वो नाकाम हो चुके हैं, हमारी जो अखलाकी बदहाली है, ये मैं समझ पस्ती है, वो हम पूरी दुनिया पे उसको रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हम कितने बुरे और कितने ऐसे लोग हैं जो जमहूरियत की कदर नहीं करते। बिल्कुल सही। सर एक दूसरे पे तनकीदी वार करना, जुमलों का तबादले करना, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, ये तो हमारे सियासी लीडरों का वतीरा बनता चला जा रहा है। अब जो है वो सियासी जो मामलात हैं वो वही वाली बात है कि गालम गलोज से निकल के अब किसी और तरफ आ गए हैं। आपने देखा कि कल भी जो है वो हमारा एक फौजी, हमारे जो एक पुलिस के सिपाही हैं वो शहीद हुए। तो ये सूरत हाल अगर इसी तरह से चलती रही तो न जाने कितने और जो है वो पुलिस एहलकार जो ड्यूटियाँ दे रहे हैं, या जो हमारे और भाई हैं जो सबसे पहले पाकिस्तानी हैं उसके बाद किसी जो है वो इदारे का हिस्सा है या उसके बाद जो है वो किसी पार्टी का हिस्सा है, उनका कसूर क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम बिल्कुल आप सही कह रही हैं। असल में मसला ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं उनको सूरत हाल का एहसास करना चाहिए। हमारी अभी जो दुनिया है इसमें लीबिया है, मिस्र, आप ये देखें कि इराक है, और जब तक आप अफगानिस्तान की बात करें, एक दफा आपका ये सिस्टम अच्छा है या बुरा है, ये देखें वो भी करप्ट सिस्टम थे, खराब सिस्टम थे, लेकिन उसको जिस चीज ने रिप्लेस किया वो अनार्की ने किया, जिसको रिप्लेस किया वो आप उसको बहाल नहीं कर सके। अगर आपने अपनी जिद पे अड़े रहे, और मैं समझ सारे पोलिटिकल लोग जो है सब वो अपनी अना से और अपनी खुदगर्दी से आगे नहीं देख रहे और पाकिस्तान को नहीं देख रहे, और मेरा ख्याल है कि लोगों को सोचना चाहिए, और दूसरा मेरा ख्याल लोगों को भी थोड़ी सी बात अकल होनी चाहिए, लोगों को भी थोड़ा समझ से चीजों को लेना चाहिए। एक पोलिटिकल गेम है, चंद साल पहले या आप देखेंगे कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और शहबाज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, एक दूसरे को लटका रहे थे फांसी पे। अब ये हो सकता है कि अगले एक दो साल बाद, दो साल बाद कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब जो है वो इत्तेहाद कर लें, क्योंकि ये बाहर पाकिस्तान के पोलिटिकल एसेट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग इनकी हमायत करते हैं। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें भी इस चीज का इदराक करना चाहिए और लोगों को भी इदराक करना चाहिए कि ये एक सियासी खेल है,
इसको खाना जंगी ना बनाए, खाना जंगी ना बनाए, दुश्मनी ना बनाए, ऐसा ही इसको है। पाकिस्तान के खिलाफ ना होने दें। लॉन्ग मार्च होता है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इमरान खान आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो भी पाकिस्तानी है। नवाज शरीफ आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सर वही तो बात है, किसी एक को तो समझना होगा कि किसी एक को तो सीट पर बैठना होगा, किसी दूसरे को तो जो है वो इस अहमियत का अंदाजा होना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, अमन अमान का मसला है। क्यों हम अवाम के बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डालकर उनको सड़कों पर लाकर जो है वो इस तरह दर्दनाक अंदाज से उन्हीं अपने मुहाफिजों से जो है वो या तो वो उनको मारे पीटे या उनको जो है वो गोलियों का निशाना बनाएं या वो उनको जो है वो गोलियों का निशाना बनाएं? तो ये तो सूरत हाल पाकिस्तान में जो है वो कहां से कहां बात चली जाएगी। असल में मसला ये कि देखें आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, दिवालिया मुल्क दिवालिया हो रहा है, बिल्कुल फैल रही है। और इसका असर जो है मैं समझता हूँ कि इसका असर जो है ना हमारे बहुत से लोगों ने इस मुल्क को तमाशबीन कौम बना दिया है, लेकिन अब वो मरहला आ गया कि जो तमाशबीन है वो खुद तमाशा बनने वाले। उन्हें ये अंदाजा ही नहीं है कि दिवालिया होने का मतलब क्या होता है, मुल्क में एनआरजी का मतलब क्या होता है। ये जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है जो मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों की नाकामी है। सही, ये बिल्कुल सियासतदानों की नाकामी और खुद कर रही है, जिसकी अब समझ नहीं आ रही कि क्या करें। जिस तरह वो वाली बात हो गई है कि पाकिस्तान एक मैदान बन गया, जिस तरफ चाहे उस तरफ जो है वो बॉल को घुमा दो और उसका रुख जो है वो जिधर भी बॉल जाएगी, चौका लग गया तो खैरअल्लाह, ना लगा तो जो है वो क्लीन बोर्ड, ये वाली सूरत हाल है। लेकिन ये पाकिस्तान कोई मैदान तो नहीं है ना सर कि जहाँ पर जो है वो हम क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। ये तो वो जगह है कि जहाँ पे हमने अवाम के मुस्तकबिल की बात करनी है। गरीब अवाम का क्या कसूर है जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं? अब नहीं, आप ये देखें कि मसला ये है कि ये थोड़ा सा हमें आगे बढ़ के देखना होगा, बिल्कुल थोड़ा सोचना होगा। मुझे अभी याद एक बात आ रही है, किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, जब ये पार्टीशन हुई तो ये पटेल ने, सरदार पटेल ने, पंडित नेहरू ने और गांधी ने कहा कि ये हम लोगों तो हमें तो तजर्बा ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये तो बड़ा फसाद पड़ रहा है। सही बात है, माउंट बैटन से कहा कि आए इसको संभालें, ये मुल्क को संभालें। तो लोगों ने कंप्रोमाइजेस किए हैं, कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, और कंप्रोमाइज करने पर मैं समझता हूँ कि इमरान खान को और नून लीग को और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको मुजाकरात की टेबल पे बैठना पड़ेगा। बैठ के ये तय करना है कि ये जो हमारा सियासत का खेल है, ये क्रिकेट का खेल है, ये हॉकी का खेल है, ऐसे ना करें कि हॉकी ऐसे ना करें, खेलते बीच में आप हॉकी खेलना शुरू कर देते, बिल्कुल हॉकी खेलते खेलते आप क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। आप कुछ रूल्स ऑफ गेम तय करें और उसके मुताबिक जो है वो चलें। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन का जो मुतालबा है उसमें नून लीग को भी कोई बहुत ज्यादा एतराज नहीं होगा, इमरान खान साहब का भी मुतालबा है, तो इसकी एक वर्केबल जो सूरत है। ये बड़ी बड़ी अहम बात है, ये बात नहीं है कि ये किस पार्टी ने बात की या कहां से ये बात निकली, कि लेकिन अच्छी ऑथेंटिक और साफ सुथरी बात ये है कि अगर इलेक्शन ही चाहिए थे तो अपने दौर में इलेक्शन करा लेने चाहिए थे ना, उस टाइम सूरत हाल जो है वो क्लियर हो जाती। आज इलेक्शन इतने मुश्किल हो चुके हैं कि हुकूमत भी अड़ गई है कि जी हमने अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी है, चाहे मखलूत हुकूमत है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने जो है उन्होंने डेट भी दे दी है कि हम जो अगस्त से पहले नहीं जाएंगे और 2023 में जाके जो है वो कहीं इलेक्शन करवाएंगे, इससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे। और खान साहब अड़े हुए हैं कि जी इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो मामला हल होगा, हम लॉन्ग मार्च कर ही इलेक्शन के लिए रहे हैं। क्या लॉन्ग मार्च का मकसद इलेक्शन है, सीट है, अवाम गरीब अवाम को जो है वो महंगाई से छुटकारा है? क्या अगर खान साहब आकर सीट पे बैठ जाएंगे तो महंगाई उसी दिन से खत्म हो जाएगी? क्या जिंदगियां जो है वो बदल जाएंगी? क्या जो है वो एक नए दौर का आगाज हो जाएगा? सर पिछले 3.5 सालों में भी तो सारी चीजें जो है वो हमारे सामने क्लियर हुई हैं, अगर अब भी नहीं हमें समझ आनी तो कब समझ आनी है? हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन सी हुकूमत आकर बैठती है, बात तो यह है कि पाकिस्तान में अमन अमान मोहब्बत और लोगों के लिए जो है वो वसाइल कहां से क्रिएट किए जाए, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग नहीं किसी के पास भी। ऐसी सूरत हाल में जो है वो मुल्क में क्या क्या आगे जो है वो आप देख रहे हैं? मसला ये है कि कुछ लोग जो हैं जो फार्म ताकते हैं, बिल्कुल मैं एक बात कहूंगा, बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। अब ये कहा जाता है कि ये हम इस एक ये जो दौर है ये पोस्ट ट्रुथ एरा है, यानी ये दौर ऐसा जमाना अब शुरू हो गया कि जिसमें सदाकत की कोई अहमियत नहीं है। यानी आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन से निकलते, वो उनके खिलाफ कोर्ट फैसला करती है कि और करती है करप्शन में, तो वो बाहर निकल के नारा लगाते हैं कि जी वोट को इज्जत दो। इमरान खान साहब को के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट होती है और वो बाहर निकल के कहते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब लोगों के आप फैक्ट्स पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं हमारे सियासतदान, और फैक्ट्स की बजाय वो लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं, इस मुल्क के साथ खेल रहे हैं, और ये एक ऐसा भयानक जुर्म है। मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ ना कुछ लोग, सर ये साइकोलॉजिकल वॉर जो स्टार्ट हो चुका है ना इस वक्त में कि लोगों को जो है हो रहा है, ये हमने अपने मुल्क में किया है, मुल्क में कर दिया है जी। और मैं ये समझता हूँ लोगों को उठना चाहिए, इन पार्टी को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठाना चाहिए, और सियासत में मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल होते हैं और मामला तय होते हैं, दुश्मनियों के जरिए नहीं होते। आप कुछ नहीं हो सकता, नून लीग जो है
पीटीआई को नहीं निकाल सकती संविधान सियासत से, पीपल पार्टी को नहीं निकाल सकती, बिल्कुल ठीक है, वो जो है वो एक दूसरे को नहीं निकाल सकते, ये बड़ी पक्की बात है। इन्हीं खिलाड़ियों ने इलेक्शन लड़ना है और इनके वोटर्स ने इलेक्शन लड़ना है और इन्हें, और जाहिर है कि हमारे जो भाई है, हर पार्टी का बंदा जो हमारा भाई है और वो उससे हमारा ताल्लुक है, उसका जान माल इज्जत आबरू उसकी हफाजत जो है सब पे मुकदम है। तो लेकिन वो ये अगर आप फर्ज करें कि एक मुहाजराई की तरफ जाएंगे तो जब आप देखेंगे लड़ाई होती है तो किसको कितने मुक्के लगते हैं, कहाँ लगते हैं, क्या होता इसकी, है इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, मन नहीं करता। हाँ। ये मुक्के कोई गिन के नहीं लगाता, कैलकुलेट करके नहीं लगाता, सही बात, कोई गिनती नहीं। तो इस मुल्क में जंग नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि ताली दो हाथ से बजती है, मुक्का एक हाथ से होता है, लेकिन यहाँ तो मुक्के ही बरस रहे हैं हर तरफ। और मैं ये कहता हूँ कि किसी के भी कोई अल्लाह करे कि कोई आ जाए, जैसे मैं ये जैसे हम ये देखते हैं कि पीएनए की तहरीक थी तो उसमें सऊदी अरब के सफीर जो थे उस वक्त रियाज़ुल ख़तीब, उन्होंने बड़ा रोल अदा किया था, उन्हें उन लोगों को सबको एक लेके आए थे, मेज पे बैठाया था और एक मामला तय हुआ था। फिर ठीक है वो मामला खराब हो गया, तो किसी ना किसी ताकत को। सर बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि दो लोगों की लड़ाई में जब तक कोई तीसरा सुलह करवाने वाला बीच में नहीं बैठेगा तब तक बात टेबल टॉक पे नहीं आएगी। ये खून खराबा, ये एक दूसरे को नीचा दिखाना और अपनी अना का मसला बनाना, ये पाकिस्तान की सालमियत में बातें नहीं जा रही हैं, अमन और अमान में बातें नहीं जा रही हैं। हमारे सियासतदान जो हैं, ये इन्होंने तो साबित कर दिया कि हम तो अमन से कोई मामला नहीं कर सकते, सही बात, हमें दूसरे के साथ मिलके नहीं। तो अब ये है कि मेरा ख्याल है कि इस पूरे खिते का जो अमन है, जाहिर है कि पाकिस्तान डिस्टर्ब होता है तो इसके साथ चीन पे भी पड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, अफगानिस्तान पे पड़े हैं, शदीद मंदी कर जो है वो रुझान हो गया, स्टॉक एक्सचेंज जो है बिल्कुल जो है पैसा बिल्कुल गिर गया। ये मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त आ गया है कि हमें जो दुनिया में जो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क है उन्हें इकट्ठा करना चाहिए, उन्हें गारंटीज भी देनी चाहिए और मुख्तलिफ करके एक अच्छा जो है उसका इलेक्शन की का वो जल्दी हो जाए, को दो चार माह पास हो जाए। देखना टोटल तो डेढ़ माह ही पड़ा है ना, तो अगर फर्ज करें आज के इलेक्शन की बात करते हैं तो चार माह बाद ही होंगे ना, तो अगर फर्ज करें ये आठ माह बाद हो जाते हैं तो कौन सी क्यामत आ जाए। सर सबको सब एक पेज पे आ गए, पुलिस अदलिया जो है ब्यूरोक्रेट्स अवाम सियासतदान सब एक दूसरे के जो है वो अगर खुदा ना खासा गले पड़ जाते हैं और एक दूसरे के जो है वो मुखालिफ जो है वो मामला तोड़ जाते हैं, तो ये तो आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी है कि कोई तीसरा जब तक बैठ कर बीच में मामला हल नहीं करवाएगा, वरना तो इस सूरत हाल जो है वो बड़ी तकलीफ देह हो जाएगी लोगों के लिए। कि पाकिस्तान के जो बड़े एक गैर जानब लोग हैं और जो ऐसे लोग हैं जो देखें, मैं जैसे 77 की बात कर रहा हूँ, तो सऊदी अरब के एम्बेसडर ने उस वक्त बड़ा एक रोल प्ले किया था। इस तरह से पाकिस्तान के जो दूसरे लोग हैं, मुल्क हैं जो पाकिस्तान जिनकी इज्जत करता है, पाकिस्तान के मामलात में एक रोल प्ले करता है, उनको आगे आना चाहिए, हमारी अच्छी फोर्सेस को आगे आना चाहिए, लोगों को मुज़ाकरात के टेबल पे बैठाना चाहिए। ये देखें बात यह है कि कुछ भी है वो गलत गया सही गया, लेकिन एक सिपाही मारा गया उसकी फैमिली रुल गई, सही, अब खत्म हो गई इसकी तो दुनिया उजड़ गई ना। कोई मैं आपको बताता हूँ कि कोई बंदा उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ अपना नंबर बनाने की खातिर को बंदा करेगा, को पैसे दे देंगे कुछ दे देंगे, लेकिन वो फैमिली फिनिश्ड। हमें लोगों के साथ देखें, ये आपकी सियासत, ये आपकी मोहब्बत, ये सब कुछ लोगों के लिए है। अमेरिका में कहते हैं कि ये जो पब्लिक है, पीपल्स आर द बॉस, ऐसे ही है, ऐसे ही है, हम न्यूट्रल से आगे नहीं निकल रहे सर, हम न्यूट्रल जानवर होते हैं, न्यूट्रल इंसान होते हैं, न्यूट्रल ये होते हैं, न्यूट्रल वो होते हैं, हम इन चीजों से आगे नहीं निकल रहे। ये अना की जंग जो शुरू कर दी है, इसमें अवाम पिस रही है, अवाम के वो सिपाही, वो बच्चे, वो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हम उनको पीस रहे हैं, उनको सड़कों पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर उन्हें डंडे पड़ते हैं, वो लहूलुहान होते हैं, या उनको और कोई मसाइल जो है का सामना करना पड़ता है, या हमारे सिपाही जो हमारे मुहाफिज हैं, अगर उन्हें जो है वो किसी पर जो है वो हाथ उठाना पड़ जाता है या बंदूक उठानी पड़ जाती है, तो अपने ही भाई के जो है वो गला काटने पर हम जो है उलझेंगे, ये तो पाकिस्तान में इस चीज का आवाज हो जाएगा। देखिए सोशल मीडिया जो है ना, ये इसने आपको प्लेटफॉर्म ही दिया, इसने दुनिया को दिखा दिया है, दुनिया के सामने रिकॉर्ड हो रहा है कि हम कितने बाशऊर हैं, हम कितने जमहूरियत पसंद हैं, ये हमें शर्मिंदा होना चाहिए इस बात पे। मैं समझता हूँ कि जब लोग बात करेंगे कि पाकिस्तानी जमहूरियत की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि यार ये क्या लोग हैं, ये क्या ये जमहूरियत इन्हें सूट करती है। सही बात, देखें बात ये है कि हमने पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी जमहूरियत को बदनाम कर रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ कि इसमें सभी का रोल है। हाँ। सभी के देखें, जो भी लोग हैं वो पॉजिटिवली वो सोच ही रहे, वो बच्चा कह रहे तकसीम कर दे, मार दे, कुछ भी हो, हमारा मुफाद होना चाहिए, हमारी जो है ना है उसको उसकी फतह होनी चाहिए। आला दर्जे का मुजाहिरा किसने करना है, कोई एक शख्स को तो करना, किसी एक जो है वो पार्टी को तो करना पड़ेगा ना, आला दर्जे का मुजाहिरा दिखाना पड़ेगा। हाँ ये तो आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं।
क्योंकि जो आला जर्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगु होके भरा करती है पैमाना, लेकिन आज हम ये सारी चीजें भूल गए हैं, हमें इस चीज का अंदाजा नहीं रह गया। सर असलम डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया और आपकी एक अथेंटिक बात, आपकी बहुत सॉलिड बात जो है वो मेरे पास जो है वो यहाँ रजिस्टर्ड भी हो गई और आवाम ने भी जो है वो ये सुनी कि दो लोगों की लड़ाई है। यही बात से मैंने आगाज किया था कि दो लोग इस टाइम लड़ रहे हैं और तीसरे बैठे हुए जो है वो तमाशा देख रहे हैं। खुदा के लिए इस वक्त तमाशबीन मत बने, तमाशा मत देखें। दो लोग जो लड़ रहे हैं जिनमें अना की जंग स्टार्ट हो चुकी है कि मैं अवाम को लेकर निकलूंगा और सड़कों पर लेकर आऊंगा और लॉन्ग मार्च करूंगा, वो अवाम भी हमारी ही अवाम है, वो लोग भी हमारे ही लोग हैं। और जो दूसरी तरफ है कि हम निकलने नहीं देंगे और कोई निकल कर जो है वो दिखाए और छापे मारेंगे और पकड़ लेंगे और उनको अंदर जो है जदोकोप कर देंगे, दो लोगों की लड़ाई में सिर्फ नुकसान अवाम का हो रहा है। खुदा के लिए अवाम का सोचिए, पाकिस्तान का सोचिए, आला जरफी का मुजाहरा कीजिए। और ये दो जो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, तीसरी किसी अच्छी पार्टी को या किसी इस्लामिक सरबरा को जो है वो दरमियान में बैठ के टेबल टॉक तक जो है वो ये बात लानी चाहिए। पाकिस्तान में जो है वो अमन अमान की सूरत हाल को कायम रहना चाहिए। मेरा तो इतना प्यारा मुल्क है कि जिसकी सरहदों पर हमारे सिपाही जो हैं वो अपनी जान के नजराने तक पेश कर रहे हैं। हम रात को सुकून से इसलिए सोते हैं कि हमारी पाक आर्मी जो है वो इतना अहम काम कर रही है, हमें जो है वो प्रोटेक्शन फराम कर रही है। अगर हमने आज अपने मुल्क में यही फितना फसाद और यही जो है वो दंगा फसाद फैलाना है तो फिर हम जो है वो क्या जवाब देंगे उन लोगों को कि जिन उन माओं को कि जिन्होंने अपने बेटों को सरहदों पर भेज रखा है कि जाओ बेटा पाकिस्तान की हिफाजत करो। तो ये हम पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं कि अपने ही लोगों को सड़कों पर मरवाने के लिए निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही लोगों पर जो है वो गोली बंदूकें तान कर जो है वो उनके घरों को बेरौनक कर रहे हैं, उनके बच्चों को सिसकता हुआ, उनकी आहें अर्श तक जाएंगी। ये तकलीफ और ये परेशानियां, ये अजियतें यहां तक पीछा नहीं छोड़ती, ये आगे तक आपके साथ जाएंगी। इसीलिए अपनी अना में मत आइए, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, अपने आप को इस वक्त पाकिस्तानी समझिए। एक पाकिस्तानी होने के नाते अवाम को अपना जो फर्ज अदा करना है उस फर्ज पर चलिए। और मैं ये समझती हूं कि शायद हमारी अवाम में इतना शऊर बाकी है कि हम अपने बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जवानों को इस तरह सड़कों पे मरने के लिए जो है वो नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे मैं ब्रेक लूँगी, वक्तन फवक्तन जिस तरह से गाहे बगाहे जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। कल भी जो है उस इस अपडेट को जो है वो हम अपने साथ रखेंगे, लेकिन अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आती हूँ तो एक और अहम मौजू पर डिस्कशन करनी है, मेरे साथ रहिएगा।